मछली बचा के रखना, कल आके खा लूंगा। हाँ। ठीक है, आइए। इधर आ। ये कौन है रे? ये कॉलेज की लड़कियां हैं भाई, हमारे गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए जागरूक करने आई हैं। उसका भी छठा महीना चल रहा है, इसलिए वो अंदर ही रहती है। तो इस बात पर आप रो क्यों रही हैं? उसका पति नहीं है क्या? शादी होती तो पति होता ना, ऐसे ही अंधेरे में बोझ काटते हुए जिंदगी जी रही है, दुनिया से बचते बचाते। इसका मतलब आप नहीं जानती कि उस बच्चे का बाप कौन है आंटी? वो कौन है ये तो हमें पता है, लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते बेटा, और उसके खिलाफ बोलेंगे तो हमें मार डालेगा। गाँव वालों को पता चलेगा तो वो सब हमें इस गांव से निकाल देंगे, इसलिए अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए वो ऐसे घुट घुट के जी रही है। जिसने ये सब किया है वो आराम से बाहर घूम रहा है, और आप यहाँ बैठे आंसू बहा रही हैं। ऐसे लोगों को तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि वो और किसी के साथ ऐसा ना करे। अरे चल निकल यहाँ से, इंसाफ मांगो, विरोध करो, ये बोलकर मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी, जाए यहाँ से। छी, बीवी के आंसू और बेटी के भविष्य के बारे में ना सोचकर शराब पीकर गटर में गिरना यही इज्जत है? तुम्हें एक नसीहत देना चाहूंगी, शराब तो घर को उजाड़ती है और शराबी पूरे गांव को। छी। एक बात याद रखना, पिएगा तो घर उजड़ेगा, वहीं प्यार करेगा तो घर बसेगा। इस गांव की सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है। हाँ यार, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, तूने देखा ना वो हमें कैसे घूर रहा था? वो तो गांव का दबंग है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, पता है? अरे कोई कितना भी दबंग हो, स्कूल के अंदर शराब की दुकान कैसे खोल सकते हैं? यहाँ से निकलना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। भाई एक पक्की खबर है, उस लड़की को गांव के बारे में सब कुछ पता चल गया है, उसका कुछ करना पड़ेगा भाई। सपना है, सच होता तो अच्छा होता। अच्छे हैं। हे लड़कियों, तुम्हें घर में बैठकर खाना बनाना चाहिए, यहाँ कर हमारा सिरदर्द क्यों बढ़ा रही हो? प्यार से कह रहा हूँ, हमारा गांव छोड़कर चली जाओ, यहाँ रहोगी ना तो तुम पर खतरा हो जाएगा। हे, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तुम उधर क्या देख रही हो? मेरा शक सही है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन तू क्या करेगा? मारने का दिल कर रहा है। हे विष्णु, वो लोग दबंग हैं, हम उनसे कैसे निपटेंगे? भैया मुझे क्यों मार रहे?
कितनी बार बोला तुझे? देख मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ। अरे एक बार में तो क्यों मार रहे हो भाई? अरे मारना नहीं सकता, काट देना चाहिए। मार क्यों रहा है? पहले गलती क्या है ये तो बता। देखो ना भाई, प्रोजेक्ट कंप्लीट किए बिना ही घर जाने की बात कर रहा है। उसका प्रोजेक्ट उसकी मर्जी, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? भाई तकलीफ नहीं, फ्रेंडशिप है भाई। हमारा दोस्त गलती करता जा रहा है तो मैं कैसे देख सकता हूँ? अरे दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे समझा कर मार कर सही रास्ते पर लाना चाहिए। इतनी मारने की क्या जरूरत है? इतना मारने की क्या जरूरत है, ये समझाने का भी वक्त नहीं। पहले जरा इसे ठीक करता हूँ, चल अभी और पिटाई बाकी है तेरी। लड़कियों आखिरी बार समझा रहा हूँ, चुपचाप चली जाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत डेंजर आदमी लगता है मुझे। सुनो कल यहाँ से चली जाना तुम लोग, समझ गई ना? है चलो चलो जाओ तुम लोग। क्या बात है आंटी? क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे कहने पर मेरे पति ने गांव वालों से मदद मांगी तो सब गांव छोड़ने के लिए कह रहे हैं हमें। कैसे इंसान हो तुम लोग, उसका सामना करने की बजाय तुम इन्हें गांव छोड़ने के लिए कह रहे हो? ये अन्याय सिर्फ इनकी बेटी के साथ नहीं बल्कि पूरे गांव के साथ हुआ है। अगर उसे हम लोगों ने ऐसे ही छोड़ दिया ना, तो आज जो इसके साथ हुआ है कल आपकी बेटियों के साथ होगा। बाहर आकर रोशनी में जीना है या फिर अंधेरे में मरना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर आज आप लोग हिम्मत दिखाएंगे तो कल इसकी जिंदगी बन जाएगी। अब फैसला आपका है। हम जान पर खेल कर भी इंसाफ लेंगे। चलो चलो। बहुत खुश हूँ। हमारा दिल जो कहता है अगर हम वो करें तो उस बात की खुशी कुछ और होती है। बेटा बेटा, अरे वो शादी की बात तो स्विंगर डैडी को पता चली तो फिर वो गांव वालों को मारने आया था, लेकिन गांव वालों ने जमकर उसकी पिटाई की और वो गांव छोड़कर भाग गया। आप लोग ना यहाँ जरा होशियारी से रहना। हाँ विष्णु, विष्णु इतनी रात को क्यों आई? सुबह ना, जा 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 सुबह सुबह। क्या पहले उसे उठा, वेदा को तेज बुखार है। अच्छा इसलिए। ए विष्णु, ए विष्णु, क्या है रे? सुन वेदा को बुखार आया, जल्दी जा। पिछले एक घंटे से इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है, पास में अगर कोई हॉस्पिटल हो तो इसे ले जाओ। सुनिए बहन जी, आसपास में कोई डॉक्टर है क्या? यहाँ तो कोई नहीं है, पास वाले गांव में एक है। डॉक्टर 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 साहब, डॉक्टर साहब। ए क्या है, क्या चाहिए तुझे? आधी रात को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्या ये किसी मंदिर का दरवाजा है क्या जो खड़खड़ा रहा है? सर आपको तुरंत मेरे साथ पास के गांव में चलना पड़ेगा, उसका फीवर बढ़ते ही जा रहा है। देखो अगर हार्ट अटैक भी आ जाए ना तो उसे मेरे दरवाजे पे आना होगा, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाता। आज तक कभी कदम बाहर नहीं निकाले, इतना फेमस डॉक्टर हूँ और तुम मुझे करके बुला रहे हो? अरे जानवरों को डॉक्टर समझ रखा है क्या? वैल्यू है अपनी इस गांव में। अरविंद स्वामी आरएमपी, अरे तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। चल 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 निकल, अब क्या है? अरे भाई जरा धीरे चलाना, पहले ही बीपी का पेशेंट हूँ। अरे कब से तुमको बुखार है, कैसा लग रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? हेलो, इसको बुखार है, इसको देखो। हाँ तभी तो मैं सोच रहा था इतनी हट्टी कट्टी मोटी दाजी को क्या हो गया। हाँ जरा अपना हाथ दो तो। एक सुबह एक शाम को देना इसे, और हाँ खुद पेपरामेंट समझ के मत खा जाना, ये अलग तरह का टैबलेट है। चलो अब मैं निकलता हूँ।
सर एक बात पूछूं, ये बुखार आया कैसे? अरे कुछ खास नहीं, विलेज है ना, मच्छर पानी इसलिए आ गया होगा। तुम लोग तो अभी नए आए हो ना, आदत नहीं है ना, इसीलिए। फिर से तो नहीं आएगा ना? हो सकता है फिर से आ जाए, मुझे क्या पता। मैं कोई MBBS डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ RMP अरविंद स्वामी हूँ। अभी मुझे घर छोड़ो। ठीक है, कल सुबह छोड़ देता हूँ आपको। अरे सुबह क्यों छोड़ेगा, अच्छा खासा सोया हुआ था, मेरे घर से उठा के यहाँ लेके आया, और अभी बोल रहे हो कि तुम मुझे सुबह छोड़ोगे? मुझे क्या तुम बेवकूफ समझ रखे हो? ब्रदर मुझे एक डाउट है, जहाँ एम्बुलेंस भी नहीं जाती वहाँ तुम मुझे लेके आ गए। वो लड़की तुम्हारी लगती क्या है, फ्रेंड है? नहीं। लवर है? नहीं। फ्रेंड नहीं है, लवर नहीं है, तो फिर क्या है? उन दोनों से भी ज्यादा। दोनों से भी ज्यादा क्या? जिम्मेदारी। लगता है तुझे समझने की कोशिश करूंगा तो अरविंद स्वामी ऐसे ही मर जाएगा। अच्छा मैं अभी सोने जा रहा हूँ, तू मुझे कल सुबह छोड़ देना, ठीक है? बड़ा ही अजीब आदमी है। सरासा बुखार आया तो इतना डर गए तुम, क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद हूँ? पसंद नहीं, तुम जिम्मेदारी हो, और इससे ज्यादा पापा डांटेंगे ये डर है। अगर ये बात पापा को पता चलेगी तो वो सोचेंगे तुम्हें बुखार मेरी वजह से आया है। वो बात नहीं है विष्णु। रहने दे, पढ़ाई भी मुझे पसंद नहीं, पापा की वजह से पढ़ रहा हूँ। कुछ काम हमें अपने लिए करना चाहिए, कुछ काम हमें जन्म दिया उनके लिए करना चाहिए। जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स रेडी हो रहे हैं, तुम भी रेडी हो जाओ। ए रूपा, रात को तुम आई थी तो मैंने गलत समझा था, इसलिए सॉरी। हैं, मुंह बंद रखो और खा। लगता है कोई चांस नहीं मिलने वाला है। वो आई नहीं अभी? उसका बुखार अभी भी कम नहीं हुआ, वैन में ही बैठी है वो। अम्मू अम्मू, सुबह से कुछ खाया नहीं ना? लो। ये टैबलेट खा लो, बुखार कम हो जाएगा।